हाय बच्चों, आज मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत याद कर रहा हूँ। जब से आप एग्जाम देकर के गए हो तब से स्कूल, ये क्लास सब खाली खाली सा हो गया है। हम लोग भी रिजल्ट, आप लोग का रिजल्ट रेडी कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। ये वीडियो आपके माता पिता के लिए है। जो बच्चा इस वीडियो को देखे अपने माता पिता को जरूर दिखाए। डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्रणाम। मैं हितेश कुमार चौबे संस्कृत का शिक्षक हूँ। ये वीडियो मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया है ताकि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि टीचर और पेरेंट्स जब एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तभी बच्चे का विकास होता है। आज हमारा बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो कहीं ना कहीं कारण टीचर और पेरेंट्स के बीच में है। तो मैं ये वीडियो आप लोगों से डायरेक्ट अपनी बात रखने के लिए रिकॉर्ड किया हूं। परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, आप और आपके बच्चे बेसब्री से रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरे बच्चे ने एग्जाम में क्या नंबर आया। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपके बच्चे से कि वे लोग जो भी एग्जाम दिए हैं उसका जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही होगा। बट आपसे मैं अपनी बात शेयर कर रहा हूं कि वह बच्चा जो आपके अनुसार अपना नंबर अच्छा नहीं लाया, जिसका परसेंटेज कम आया, तो उस बच्चे का मनोबल ना तोड़े, उसको हौसला बढ़ाए कि बेटा तुमने जो किया इसको थोड़ा सा और प्रयास करो, और प्रयास करो। हम उसको अगर डायरेक्ट बोल देंगे कि बेटा तुम्हारा ये नंबर है, उस पर अगर आप गुस्सा हो गए, डांट दिए, तो उस बच्चे का सपना टूट जाएगा, उसका मनोबल टूट जाएगा। जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे का परसेंटेज कम आया हो वह बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। सिंपल सा उदाहरण है सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने मैट्रिक का एग्जाम भी ठीक से नहीं दिया, उनके नंबर अच्छे से नहीं मिले और वो आज उनको भारत रत्न मिल चुका है। जो बच्चा सब्जेक्ट में कम नंबर आया, हो सकता है उसकी रुचि पेंटिंग बनाने में हो और वो पेंटिंग का सबसे इस भारत में अपना एक नाम दिखवा दे पेंटिंग के मामले में। उसके लिए कोई सब्जेक्ट के अंक उसके लिए मायने नहीं रखते। वह बच्चा जो खेल में बहुत अच्छा है, वह बच्चा जो डांस में बहुत अच्छा है, वह बच्चा जो सिंगिंग में बहुत अच्छा है, तो उसके लिए स्कूली ये मार्क्स उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। क्योंकि हो सकता है कि यहां पर उसका नंबर कम आए, लेकिन वह अपने जीवन की उस दौर में उस ऊंचाई में प्रवेश कर जाए जिसकी कल्पना आपने और हम सबने नहीं की। यह नंबर कम आया है तो आप उसको हौसला बढ़ाएं, नंबर ज्यादा है तो उसका बोले कि बेटा तुमको और मेहनत करना होगा, क्योंकि तुम्हारे सामने चुनौती है। हारने वाले के पास विकल्प है कि उसको फर्स्ट आना है, लेकिन जो फर्स्ट आया उसका विकल्प क्या है, जो फर्स्ट आया उसका सोच क्या है, उसका ये है कि वह फर्स्ट ही रहेगा, वो कभी सेकंड नहीं आएगा। तो वह बच्चा इस समय आपको आपके बच्चे के साथ रहना है। आपका बच्चा आज आपका साथ कहां है, ये सही है कि पेरेंट्स आप सभी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं और आपके अनुसार वो आप नंबर नहीं लाते हैं, तो क्या आप गुस्सा करेंगे तो वह नंबर आ जाएगा? नहीं आएगा। आप गुस्सा करेंगे तो आपके बच्चे का जो मनोबल है, जो आत्मविश्वास है, वो टूट जाएगा। आज वो टूट जाएगा तो उसको हम चाह करके भी नहीं जोड़ पाएंगे, चाहे उसको लाख पढ़ा लें, उसका मनोबल टूट चुका है। अपने बच्चों को आपकी सहायता चाहिए, आपका साथ चाहिए। अपने बच्चों को शाबाशी दें, उसको प्रेरित करें कि बेटा तुमको आगे जाना है, और आगे पढ़ना है, तुमको अच्छे से पढ़ाई करना है, अपने जीवन में आगे जाना है। अपने बच्चों को आप पहचाने उसके अंदर कौन सी कला है जो उसको आगे लेकर के हो जाए। अगर हम सभी, आप और हम, अपने बच्चों को
अगर ये सही से उसकी देखभाल कर लें, उसके मनों को समझ लें, उसके भाव को समझ लें, उसके अंदर क्या चल रहा है ये समझ लें, तो मुझे लगता है कि आपका आपका बच्चा, मेरा स्टूडेंट आगे की ओर अग्रसर करेगा। बच्चे डर जा रहे हैं, नंबर कम देकर के डर जा रहे हैं, माता पिता उस पर गुस्सा हो जा रहा है, बच्चा सहम गया है, डर गया कि मेरा नंबर कम है, मेरे पापा या मम्मी मुझे डांटेंगे मारेंगे। जी नहीं, बिल्कुल मेरा आपसे निवेदन है, काफी सहायता है उसको, उसके साथ कम से कम एक घंटा बैठें। अगर आपको लग रहा है कि मेरे बेटा यहाँ पर नंबर कम लाया है जिसके चलते उसके परसेंटेज कम आए हैं, तो विद्यालय में जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो आप उसके साथ बैठें, उससे पूछें कि बेटा तुमको क्या नहीं है, खुलकर मुझसे बोलो, तुमको ट्यूशन चाहिए या एक्स्ट्रा कोई वर्क, एक्स्ट्रा कुछ भी चाहिए तो मुझसे शेयर करो। आप अपने बच्चे के साथ एक फादर मत बनिए, एक मदर मत बनिए, एक फ्रेंड बन जाइए, उससे दिल के बारे में जानिए कि क्या करना चाहता है, क्योंकि बच्चा हमारे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। अगर आज हम अपने बच्चों के साथ खड़े रहेंगे तो उसको एक सवा, उसको एक अंदर से खुशी मिलेगी, उसके अंदर एक एक, एक जंग जीतने की, एक जीतने की एक नई उड़ान बनेगी। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों के साथ रहें, परसेंटेज ज्यादा हो उसको बधाई दें, उसको और आगे पढ़ने के लिए आप उसको शाबाशी दें कि वह और आगे जाए, उसको बढ़ावा दें। अगर परसेंटेज कम आए हैं उसके साथ रहें, उसका हेल्प करें, उसके साथ बैठें और उसको आगे ले जाने के लिए उसको बार बार सहयोग देते रहें। मुझे लगता है कि अगर ये बात, अगर यह रूल अगर हमने अपने बच्चों के साथ लागू किया तो हमारा बच्चा अवश्य ही एक दिन एक ऊंचाई पर जाएगा। बच्चों, जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा दो पंक्तियों में कुछ कहना है कि बेटा यह तो एक पड़ाव है, तुमको आगे बढ़ना है, यह तो एक पड़ाव है, तुमको आगे बढ़ना है, झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। इस छोटी मोटी बाधाओं से मत डर, इस छोटी मोटी बाधाओं से मत डर मेरे बच्चों, क्योंकि एक दिन सूरज की किरणों की तरह तुमको पूरी दुनिया पर छा जाना है, सूरज की किरणों की तरह पूरी दुनिया पर छा जाना है। भगवान करे आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा हो, आप सब सभी का अंक बहुत अच्छा है, और मिलते हैं फिर से एक नए सेशन में, एक नए क्लास में। तब तक के लिए बाय।